सिलेक्शन होगा यार मेडिकल कॉलेज में। खुशी मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग को ट्रीट भी दी है आंटी। वीडियो बना देते हैं जो कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुराग की तुम्हारा सिलेक्शन हो गया मेडिकल कॉलेज में। एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर योर नीट प्रिपरेशंस? कैसा रहा तुम्हारा पूरा शुरू से लेके अंत तक का सफर नीट के लिए? 11th मतलब 11th समय कोटा में वहाँ पे तो ज्यादा कुछ ऐसा खास स्ट्रेटजी नहीं था। मतलब जो क्लास कराया जाता था बेसिक उसी को आकर के पढ़ते थे। तो 11th 12th ऐसे ही चला, लेकिन फिर 12th में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से नहीं, ऐसे मतलब सब ठीक था। वो एलएन का जो पैटर्न था और अपना नीट का पैटर्न थोड़ा सा मतलब मैच नहीं कर रहा था। बोर्ड्स के लिए क्या? नहीं नहीं, सिलेबस जो सिलेबस नहीं, मतलब जो सवाल आता है ना, मेजर का सवाल रहता है और जो एलएन का सवाल आता है वो थोड़ा सा डिफर करता है, थोड़ा सा डिफर था। तो उसके कारण से थोड़ा दिक्कत हो गया था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ड्रॉप लिए उसके कारण फर्स्ट ड्रॉप लेना पड़ा। फिर सेकंड ड्रॉप में मतलब पूरा एनसीईआरटी पे फोकस था। ओके, तो फर्स्ट ड्रॉप में आपका कितना मार्क्स रहा? 555। ओके, वेरी गुड। एंड सेकंड ड्रॉप में तो आपने 613। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर आपको आपको कंतूर मेडिकल कॉलेज में मिल रहा था ऑल इंडिया से, लेकिन आपने चुना कि मुझे अपने स्टेट में रह के पढ़ाई करना है। और वेरी गुड, चलिए ठीक है। और जैसे कि एलएन में और कोटा में आपको कैसा लगा वो सारी चीजें बता सकते हैं? कोटा मतलब बढ़िया जगह है सर, प्रिपरेशन के लिए पूरा वाइब है, बड़ा ठीक है, मतलब अच्छा जगह है पूरा एकदम सब कुछ है ठीक। तो आपका शेड्यूल क्या रहता था? जैसे कि सुबह में वहाँ तो 6 बजे से एक क्लासेस होती है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए शाम में होती है। तो जैसे आप नाइट स्टडीज पे ज्यादा ध्यान देते थे या मॉर्निंग स्टडीज? आप अर्ली बर्ड है या नाइट आउल या नहीं? नहीं मतलब मेरा था कि जो पढ़ाया गया उसको रात में कवर कर लेंगे, जो पढ़ाया गया देख लेंगे, सुबह उठेंगे कभी भी उठेंगे 7-8 बजे कभी 9 बज जाएगा, तो उस समय अपना जो रिवीजन वाला रहेगा वो रिवीजन करते थे बस। मतलब जो जिस दिन पढ़ाया जाता क्योंकि रिवीजन इज अ मस्ट बिकॉज वो हमारे हिप्पोकैम्पस को का जो मेमोरी पावर होता है, अगर आप रिवाइज करते हो तो वो बढ़ता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए हिप्पोकैम्पस का बहुत रोल होता है। तो इसके वजह से रिवीजन इज अ मस्ट एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि जैसे कि फिजिक्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? फिजिक्स के लिए तो मतलब सिर्फ हम एलएन का मॉड्यूल बनाते थे, जितना बार बन जाए एक्सरसाइज 2 और रेस लास्ट में बनने लगा था। शुरुआत में रेस नहीं बनता था, फर्स्ट सेकंड ईयर जब थे टीचर्स भी हेल्प करते हैं डाउट्स में, अगर रेस का कोई भी डाउट करते थे। हां हां, वो मेरा दोस्त लोग भी मतलब हेल्प कर देता था, वो मेरे से थोड़ा ज्यादा ठीक था तो वो ज्यादा हेल्प करता था। ओके, और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी या फिर एलएन के मॉड्यूल्स भी पढ़ते थे? शुरुआत में पूरा मॉड्यूल पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद जब फर्स्ट ड्रॉप लिया उसके बाद से ओनली एनसीईआरटी छोड़ दिया इसको मॉड्यूल। क्योंकि हमारे जो नीट के पेपर में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं 5-6 को छोड़ दिया जाए तो एनसीईआरटी ए टू जेड ही कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके फ्यूचर के लिए। आप अपना बेस्ट दीजिए, एक डॉक्टर बन के दिखाइए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। All the best. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको तो एकदम खुशी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग को ट्रीट भी दी है आंटी आज। आंटी वो बोलिए ना जो आप कह रही थी अभी। वही मुझे अपने आप से ज्यादा विश्वास है अपने बच्चों पे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा आगे करेंगे और कर भी रहे हैं। शुरू से जब 1 क्लास में थे तो भी 99 नंबर लाते थे और दोनों इनका 100 आता था, छोटे वाले का 99 आता था, तो उस दिन मैं बहुत खुश रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि लेकिन अगर मार्क्स वो ना भी लाए तो भी आपको खुश रहना है? मैं खुश रहती थी। एक बार इसने मिस किया था कि 2 में ही था, डॉन बॉस्को में पढ़ता था नागालैंड में, तो वहाँ पे थोड़ा कम नंबर लाया था, तो इसने उस बार कभी जीवन में हम लोग से झूठ नहीं बोला, उसी बार एक बार बताया नहीं नंबर, तो इनको मतलब डर से नहीं बताया कि मेरा कम नंबर आया है, तो इनको पता चला कि कम नंबर आया तो थोड़ा सा डांट लगाया इसको। उसके बाद से कभी कोई भी मतलब टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम भी होता था, हर एनी टाइम मतलब 100 नंबर ही लाता। लेकिन आंटी आपको नहीं लगता कि नंबर से प्यार नहीं होना चाहिए? नहीं, नंबर से प्यार नहीं, पढ़ाई करेंगे तभी तो नंबर आएगा ना। एक स्लो है, उसने क्या पूरे साल किया पता है? कॉलेज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नंबर नहीं आते थे फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। हाँ, ऐसा होता है।
लक का बात है ना, मेहनत का बात है कि वो कब मेहनत करना शुरू किया। हाँ, इसने बचपन से बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया। वहाँ से आए तो वहाँ तो बस से जाते थे, यहाँ आके इतने दूर के आर्मी एडमिशन कराए तो पैदल जाना हुआ, तो उस टाइम बहुत मुश्किल झेलना पड़ा। इनको फीवर होता था, छोटे वाले को फीवर होता था, फिर मैं जाती थी, बोलती थी कोई मेहनत नहीं करता, पहाड़ पे चढ़ने से भी कुछ नहीं होता, ये तो पैदल इतना 2 किलोमीटर आते है, कोई मुश्किल नहीं। भूख इतने सारे होते थे, कभी कभी अच्छे से तो मेहनत करना, मम्मी को डिसअपॉइंट नहीं करना, माँ मुझे देना ही देना है। फिर मैं साथ में जाती थी, मैं बुक लेके इन लोग जाती थी, साथ में फील्ड में बैठूंगी और ये लोग क्लास में एग्जाम देंगे, फिर साथ में हम लोग आएंगे। इतना सारे मुश्किलें झेले हैं, इनके पापा तो अपना जॉब किए हैं, पैसे दिए हैं टाइम से, इन लोग का एक एक चीज का ख्याल रखे हैं बहुत सारा। और इन लोग पे बचपन से हमको नाज है कि कभी किसी से मतलब एक होता ना लड़ाई झगड़ा सब कुछ नहीं किया है, एक बहुत अच्छा से रहा है, अभी तक भी रहा है, अभी भी रह रहा है, आगे चल के हमको विश्वास है कि ऐसे ही करेगा और अच्छा करेगा। आंटी इमोशनल हो रही है। नहीं ऐसे मतलब वो टाइम मेरा भी ख्याल रखता है लोग, मैं भी बीमार होती हूँ तो बहुत ख्याल रखता है लोग, गावला के परिवार का, आपके लिए, आपके लिए वो दोनों बच्चा बहुत अच्छा। जैसे कि अदर लोग से कोई मतलब नहीं है, यही क्लाइंट के ही बात है, कोई कुछ बोले क्या बोले नहीं बोले कुछ मतलब नहीं है, अपना पढ़ाई पर और अपने मम्मी पर। आंटी को लगा चलो, आपको भी लगा दो, आपको मैं अच्छा से बनाती हूँ, मिटाना नहीं इसे गाना। हमारी होली हो गई आज, आज पहली बार मतलब इतने अच्छे से मतलब बिना रंग के खेला है। हाँ, और पानी भी इतना वेस्ट नहीं हुआ। Yeah.
आंटी के हाथों का खाना खा के कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ।